हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। तो एक दो कमेंट आए थे कि सर मुझसे गाड़ी बंद हो जाती है, फर्स्ट गियर में जैसे हम डालते हैं बंद हो जाती है, जैसे हम क्लच छोड़ते हैं बंद हो जाती है। तो चलिए, आज से आपसे गाड़ी कभी बंद नहीं होगी। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे उठाना। आज का जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ हम क्लच से रिलेटेड बताएँगे, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी एक ही बार में उठ जाए और कभी आपसे गाड़ी बंद ना हो। जैसे जाम वगैरह लगी होती है भीड़ वगैरह में, तो कुछ लोग हैं जैसे क्लच पर से पैर हटाते हैं हल्का सा, वैसे गाड़ी बंद हो जाती है, फिर से सेल्फ मारते हैं और उनको ये प्रॉब्लम रहती है। तो वीडियो बहुत छोटी सी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए गाड़ी को हम न्यूट्रल करते हैं। इस समय हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, तो गाड़ी न्यूट्रल है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका, क्लच और ब्रेक ये दबा लेना है, ठीक है, और गाड़ी न्यूट्रल कर लेना है। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कभी फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद नहीं होगी। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है। तो चलिए अभी ये जीरो की स्पीड पे है, तो चलिए हम इसको, क्लच दबा हुआ है हमारा, इस पर आके ये गियर लीवर हो जाता है। गियर के बारे में अगर नहीं आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर लेना, गियर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट गियर हो गया, ये भैया की गाड़ी थी, ठीक है, और अभी धुलाए हैं, बिल्कुल भीगी भी है, हम वीडियो से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट गियर पड़ गया और हमारा क्लच, ठीक है। और देख सकते हैं जो डीजल गाड़ी है, हल्का हल्का ऐसे क्लच पर से पैर हटाना, देख सकते हैं अभी इतने पे ही गाड़ी चलने लगती। और जो अगली वीडियो बुलेरो की बनाए थे उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लच छूट जाता था, जैसे इतना छूट जाता था, ठीक है, तब क्लच पकड़ता था, ठीक है। इसको दबाएँ और इसको दबाने के बाद फर्स्ट गियर लगाएं और देख सकते हैं आप, गियर फर्स्ट लगा और देखिए ऐसे क्लच छोड़ना, ब्रेक पर से पैर हटा लेना है और देख सकते हैं, और एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं रखेंगे, देख सकते हैं ये गाड़ी उठ गई हमारी, क्लच छूट गया और देख सकते हैं गाड़ी अपनी चलने लगी, देख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम रेस पे पैर रखते हैं, देख सकते हैं गाड़ी भगने लगेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से उठाना है, एक स्टेप हो गया, फिर दूसरी बार इसको रोकना है, ठीक है, क्लच ब्रेक दबा के गियर फर्स्ट पड़ा रहने देना है, फिर से उठाने की कोशिश करना है, देख सकते हैं ब्रेक पर से पैर हटाएं और एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं रखे हैं। और ये गाड़ी उठा के भी दिखाते हैं आप लोगों को, ये गाड़ी उठ गई, ठीक है, पैर हटा लिए, देख सकते हैं फिर से चलने लगी गाड़ी, और रेस पे पैर रखते हैं चलने लगती है। और यहाँ से क्लच दबा के हम दूसरा भी गियर डाल के उठा सकते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर पर पैर रख के भी उठा सकते हैं आप लोग ऐसे, और नॉर्मली अगर न्यू आप हैं तो ऐसे उठा सकते हैं, देख सकते हैं गाड़ी चलने लगेगी, ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से क्लच दबाना है और ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी को रोक लेना है, देख सकते हैं नीचे से दिखा रहे हैं, इसको रोक लेना है, ठीक है, ऐसे फिर से रुक गई, फिर से हम फर्स्ट गियर डालते हैं, ठीक है। दूसरे में आप लोगों को दिखाया था, फिर से ऐसे एक तरीका तो इस तरीके से उठा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हो सकता है, देख सकते हैं इधर धीरे धीरे से क्लच छोड़ रहे हैं, इधर धीरे धीरे से रेस दे रहे हैं, देख सकते हैं ये, ठीक, गाड़ी उठ गई और चलने भी लगी, आप लोग देख सकते हैं 10 की स्पीड हो गई, ठीक है। फिर से क्लच ब्रेक दबाना है, देखिएगा फिर से जीरो हो जाएगी, ये फिर से जीरो हो गई, हमारी गाड़ी रुक चुकी है, ठीक है, देख सकते हैं क्लच ब्रेक दबा हुआ है, ठीक है, ये गियर हमारा फर्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार करना है, ऐसे ब्रेक पर से पैर हटाना है, एक्सीलेटर पर पैर रखना है और धीरे धीरे से रेस देना है और क्लच छोड़ना है, ठीक, और फिर से इसको दबा लेना है, फिर से रोक लेना है और फिर से इसको ऐसे कर लेना है, आप फील्ड में जाके आराम से ऐसे रोक के, ठीक है, ऐसे उठा सकते हैं, ठीक, ऐसा अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपसे गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। सेकंड गियर डाल लेते हैं, फिर फर्स्ट गियर में गाड़ी उठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट गियर में लगभग गाड़ी 10 की और 15 की स्पीड खींच लेना है और फिर गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम फिर से इसको रोकते हैं, ठीक है, ये हमारी गाड़ी फिर से रुक गई और ये न्यूट्रल कर लिया, ठीक है। फर्स्ट गियर में 10 की स्पीड और फिर जैसे दूसरा गियर डालें 20 के ऊपर पहुंच जाए फिर गाड़ी नहीं बंद होती है, सिर्फ फर्स्ट गियर में ही बंद होती है। तो आप लोग बस कुछ नहीं करिएगा, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाना सीख जाइए अच्छे से, फिर गाड़ी आपकी उठ जाएगी, ठीक है। ये देखिए फटाक से फर्स्ट गियर लगा दिए, देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, नहीं चलेगी, ठीक है, देख सकते हैं न्यूट्रल। और क्या करना है, बस इसको दबाना है और फर्स्ट गियर लगाना है और हल्के से आराम से पैर रखना है एक्सीलेटर पर और उठा देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियो आते रहेंगे। और जो आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। तो चलिए सामने हमारी बाइक है, चलते हैं घर, भैया को गाड़ी देते हैं, फिर से क्लच ब्रेक दबाएं, गाड़ी रुक गई, गाड़ी न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक लगा दिया और हैंड ब्रेक लगा के आराम से गाड़ी से उतर जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए भाई बाय बाय, और अपनी बाइक खड़ी है, फिर मिलते हैं, लाइक कर देना वीडियो को, बाय बाय।